जय हिंद जय माता। थैंक यू श्री अमोल कोहली। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए। कैमरा कहाँ है सर? दे आर नॉट शोइंग द स्पीकर। इट इज ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की तरफ से खड़ा हूँ, जिस पार्टी को चिल्ला चिल्ला कर हम ओरिजिनल है ये कहने की नौबत नहीं आती, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने फैसला कर दिया है कौन असली है और कौन नकली है। राष्ट्रपति जी ने जिन उपलब्धियों का उल्लेख किया उसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूँ, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल है अध्यक्ष महोदय। जब पाँचवें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था, ये गौरवशाली बात है, लेकिन देश ये भी जानना चाहता है कि देश पर कर्जा कितना है, देश पर बोरोइंग्स कितनी है, और देश के सकल उत्पाद के ये बोरोइंग्स कितनी फीसदी है, और ये ऋण कब तक और कैसे चुकाया जाएगा। हमारी मराठी में कहावत है, ऋण काढून सण थार काळ साजरा करता येत नाही। और इसलिए दूसरी बात है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो कही कि 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो पांचवी अर्थव्यवस्था के लिए क्या ये भूषणा हुआ है। और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि बावजूद इसके हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 125 देशों में 111वां है, जो पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे है, क्या ये उपलब्धि है। और अगला सवाल ये बनता है, जो पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था है वो अपने जेन्यून जो ईमानदार टैक्स पेयर्स है उनको क्या दे रही है। ये टैक्स पेयर्स को अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है, उनको अपने हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। सर नौबत तो ये है कि जब नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी बाइक खरीदने जाता है तो उसको 28% GST देना पड़ता है, लेकिन इस देश में जो कोई हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है उसको सिर्फ 5% GST है। तो क्या ये उपलब्धि है, ये हर देशवासी के लिए अर्थव्यवस्था है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए ये सवाल बनता है कि जब अर्थव्यवस्था क्या सही में सुदृढ़ है या सिर्फ ये सूजन है जिसे सुदृढ़ता बताया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी अभिभाषण में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और डेयरी का उल्लेख किया, लेकिन दुर्भाग्यवश माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, लेकिन उसी दिन जो मिल्क पाउडर है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ करके मिल्क पाउडर आयात करने का एक निर्णय जो लिया गया। दूध उत्पादक किसानों के लिए क्यों एकदम गलत बता रहे हैं, इससे आई वांट यू टू इनकी जानकारी के लिए और पूरे सदन की जानकारी के लिए, शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे उस समय उन्होंने ये TRQ दिया था, एक समय 10,000 टन बाद में 25,000 टन का, और उस समय मिल्क पाउडर इंपोर्ट हुआ। ऑनरेबल मिनिस्टर योर कैन विल कम, योर मेंबर इज सी नेक्स्ट मेंबर इज योर फ्रॉम पार्टी, उसका क्या संबंध है। ऑनरेबल मिनिस्टर वेट वेट, ऑनरेबल मिनिस्टर वेट वेट, नो इमीडिएटली योर मेंबर इज गोइंग टू स्पीक, दैट टाइम इट कैन बी रिबटेड। सर पुराने निर्णयों को लेके आज वास्तविक, सर आज वास्तविकता ये है देश में। सर मैं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा कि सर देश में मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में मिलती है और हमारा किसान दूध 22 या 24 रुपए में बेचता है, तो क्या ये किसान को समृद्ध करने का निर्णय है सर। सर मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में बिकती है और हमारा किसान जो अपने पशुओं को पालता है उसको दूध बेचना पड़ता है 22 या 24 रुपए किलो में, तो क्या ये किसान के साथ न्याय हो रहा है, ये इसका जवाब किसान चाहता है। सर महामहिम राष्ट्रपति जी ने किसान सम्मान निधि की भी बात की, लेकिन असली किसान का सम्मान तो तब होगा सर जब कृषि के लिए जो औजार लगते हैं उन पे जो 12% GST है ये 12% GST हटाया जाए और उनके फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की कीमतों पर नियंत्रण लाया जाए और कृषि उत्पाद के लिए सुनिश्चित और परमानेंट आयात निर्यात धोरण लाया जाए। सर हाल ही में हमने देखा, पिछले साल हमने देखा कि जब प्याज की डिमांड थी, मिडिल ईस्ट में डिमांड थी, यूरोप में डिमांड थी, तब प्याज पे निर्यात पर पाबंदी लगाकर पाकिस्तान के प्याज उत्पादक किसानों का भला इसी सरकार ने किया है, ये प्याज उत्पादक किसान कभी भूल नहीं सकता सर। और दूसरा एक बहुत ही अहम किसानों से जुड़े मुद्दे पर जो मैं मेरे चुनाव क्षेत्र से उस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा,
वो है लेपर्ड का इशू। सर मेरे चुनाव क्षेत्र में जुन्नर वन विभाग के क्षेत्र में 700 लेपर्ड्स का आदिवास है सर, 700 लेपर्ड्स, और आए दिन किसी ना किसी पर हमला होता है। सर जब एक बाप अपने 3 साल के लहूलुहान बच्चे को लेकर सामने खड़ा होता है तब ये इसकी गंभीरता और ज्यादा महसूस होती है। सर 23 लोगों ने पिछले 1 साल में जान गंवाई है और बार बार मैंने दरख्वास्त की है माननीय मंत्री जी से भी कि लेपर्ड रिप्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में सरकार गंभीरता पूर्वक ध्यान ले। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की, जो 3,82,000 किलोमीटर हाईवे हुए हैं उसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं। लेकिन जिस रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए 1/3 कॉस्ट लगती है और एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री के लिए इन रेलवे में कितना इजाफा हुआ ये भी हम जानना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है जिन प्रोजेक्ट्स के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 50% कॉस्ट शेयरिंग के लिए अनुमति दी थी वो 3 प्रोजेक्ट्स है सर, अहमदनगर बीड परली, वर्धा यवतमाल नांदेड़ और वर्षा और गढ़चिरौली, जो 3 साल में रेलवे कंप्लीट करने वाला था। आज 15 साल बाद भी ये प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन है, ये इनकम्प्लीट है। और महाराष्ट्र के गोल्डन ट्राइंगल को जोड़ने वाली पुणे नासिक रेलवे जैसा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट की फाइल कैबिनेट अप्रूवल के लिए पिछले 2 साल से पड़ी है, ना उसको कैबिनेट अप्रूवल मिल पा रहा है और ना ही इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी तय हो रही है। साथ ही में दौंड से पुणे तक जो लोकल की डिमांड है ये भी डिमांड अब तक उसकी आपूर्ति नहीं की गई है। सर डिफेंस सेक्टर के रिफॉर्म की महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बात हुई और आज ही मैं जब भाषण सब सुन रहा था तब भारतीय न्याय संहिता की अंग्रेजों के जमाने की कानूनों को बदलने की जो बात हुई, लेकिन सर डिफेंस के बारे में रेड जोन का ये मुद्दा है जो पिंपरी चिंचो, सर डिफेंस सेक्टर के रिफॉर्म की महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बात हुई और आज ही मैं जब भाषण सब सुन रहा था तब भारतीय न्याय संहिता की अंग्रेजों के जमाने की कानूनों को बदलने की जो बात हुई, लेकिन सर डिफेंस के बारे में रेड जोन का ये मुद्दा है जो पिंपरी चिंचवड़ में और देश के 13 राज्यों में रेड जोन लागू होता है, ये रेड जोन 1903 के इंडियन डिफेंस एक्ट अंग्रेजों के जमाने के कानून के तहत 2000 यार्ड का लागू होता है, लेकिन 1970 में जो स्टेक रेगुलेशंस हमने अपनाए, जो यूएन के स्टेक रेगुलेशंस हमने अपनाए जिसको 2005 में अमेंड किया गया, उस स्टेक रेगुलेशन के तहत 200 से 500 मीटर सिर्फ रेड जोन की मर्यादा होनी चाहिए। और इसलिए रेड जोन क्या है, रेड जोन ये होता है जो डिफेंस का जो सेक्टर होता है, ये डिफेंस के सेक्टर के इसमें निर्माण के लिए अनुमति नहीं दी जाती, इन घरों को गैर कानूनी करार दिया जाता है। और इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि अंग्रेजों के इस कानून को त्याग कर, 1905 के इंडियन डिफेंस एक्ट को त्याग कर, स्टेक रेगुलेशंस के तहत 500 मीटर के परे रेड जोन हटाया जाए और लाखों देशवासियों को राहत दी जाए। सर अगर